वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अंटिल द लास्ट पीरियड वी सॉल्व एग्जाम्पल्स अप टू 25। टूडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.6। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल पाई बाई फोर टू इट्स ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इस फंक्शन को हमें इस इंटरवल पर वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती है। इट्स ओके। हेयर ए इज इक्वल टू पाई बाई फोर एंड बी इज इक्वल टू फाइव पाई बाई फोर। इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट चेक करना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल फाइव बाई फोर। इट्स ओके। यू नो फंक्शन एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स एंड कोस एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इट्स ओके। एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल पाई बाई फोर कोमा फाइव पाई बाई फोर। इट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर यहां से एक्स की वैल्यू को हम इस इंटरवल से एक्स की वैल्यू को हम यहां पर एक्स की जगह पुट करते हैं तो ये हमें एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक रियल वैल्यू फाइंड होती है। क्या फाइंड होती है? रियल वैल्यू गेट होती है। इट्स ओके। अगर रियल वैल्यू गेट होती है इट मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल पाई बाई फोर कोमा फाइव पाई बाई फोर। इट्स ओके। ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो इस इंटरवल में क्या है? कंटिन्यूअस है। व्हाई? बिकॉज इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू लेंगे तो वो जब एफ एक्स में पुट करेंगे तो हमें यहां से रियल वैल्यू फाइंड होती है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड साइन एक्स एंड कोस एक्स आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इट्स ओके। सेकेंड पॉइंट करने से पहले हम क्या चेक करते हैं? सेकेंड पॉइंट भी हम चेक करते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इट मीन्स हमें इस फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इट्स ओके। डिफरेंशिएट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। यू नो ई टू द पावर एक्स इज फर्स्ट एंड साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज सेकेंड। अब इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय मल्टीप्लाई मेथड। इट्स ओके। स्टार्ट e टू द पावर एक्स एज इट इज साइन एक्स ऑफ डिफरेंशिएट कोस एक्स एंड डिफरेंशिएट ऑफ कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस। इट्स ओके। प्लस सेकेंड वैल्यू एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ई टू द पावर एक्स, ऐसा कर लीजिए इस कंप्लीट वैल्यू में से आप ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। ई टू द पावर एक्स कॉमन आ गया तो अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट्स में? कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जो टू पार्ट्स हैं इसमें हमने ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, हमारे पास ब्रैकेट में ये वैल्यू आ गई, प्लस कॉस एक्स से माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको सही तरीके से राइट कर लेते हैं, टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू डॉट ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबल हम चेक करते हैं ओपन इंटरवल में, किसमें चेक करते हैं ओपन इंटरवल पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर, इट्स ओके। जब एक्स बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल से एक्स बिलोंग करता है, वहां से एक्स की वैल्यू जब एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पुट करते हैं और जो ये एफ डैश एक्स से एक रियल वैल्यू गेट करता है, इट मींस फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से x की वैल्यू हम यहां पर रखते हैं पाई बाई फोर, तो यहां भी हम x की वैल्यू क्या रखते हैं पाई बाई फोर रखते हैं, तो टू इंटू ई टू द पावर पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होगी, एक रियल वैल्यू होगी। लेकिन हम डिफरेंशियल में क्या करते हैं ओपन इंटरवल लेते हैं, क्या लेते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब x की वैल्यू पाई बाई फोर भी नहीं हो सकती और x की वैल्यू फाइव पाई बाई फोर भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू होगी इन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू, इट्स ओके। तो देखिए पाई बाई फोर और फाइव पाई बाई फोर के बीच की वैल्यू को हम पुट कहां करेंगे, एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, इट्स ओके। एग्जांपल फोर, पाई बाई फोर क्या है 45 है, तो हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं पाई बाई थ्री 60 ले लेते हैं 60 डिग्री। जब हम यहां पर एक्स की जगह पुट अप करेंगे पाई बाई थ्री, तो टू इंटू ई पावर पाई बाई थ्री साइन पाई बाई थ्री, तो हमारे पास ये जो कंप्लीट वैल्यू होगी टू इंटू पाई बाई थ्री डॉट साइन पाई बाई थ्री, ये जो कंप्लीट वैल्यू आएगी हमारे पास एक रियल वैल्यू गेट होगी, इट्स ओके। इट मींस फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल पाई बाई फोर कोमा फाइव पाई बाई फोर, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवेल पाई बाई फोर कोमा फाइव पाई बाई फोर। स्टूडेंट्स जो फंक्शन एफ एक्स है, जो फंक्शन एफ एक्स है डिफरेंशियबल है इन ओपन इंटरवेल पाई बाई फोर में, वाई एफ डैश एक्स में जब हम एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल से वैल्यू पुट अप करते हैं एफ डैश एक्स में, तो हमारे पास यहां से एक रियल वैल्यू गेन होती है गेट होती है, इट मींस फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल पाई बाई फोर कोमा फाइव पाई बाई फोर। थर्ड कंडीशन हम चेक करते हैं एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी स्टूडेंट्स यहां से एफ ऑफ ए कितना आएगा, एफ ऑफ ए होगा पाई बाई फोर, देखिए एफ पाई बाई फोर। स्टूडेंट्स एफ ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू हम एफ एक्स में एक्स किस पुट करते हैं, देखिए ई पावर पाई बाई फोर इन ब्रैकेट साइन पाई बाई फोर माइनस कोस पाई बाई फोर। स्टूडेंट्स प्लीज माइंड वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू माइनस वैल्यू ऑफ कोस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू प्लस कैंसिल, इट मींस ई टू द पावर पाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। हमें एफ पाई बाई फोर की वैल्यू क्या फाइंड होगी, जीरो प्राप्त होगी। अब देखिए ऐसे ही हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ पाई बाई फोर, इट्स ओके। अब देखिए यहां हम एफ एक्स में हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, फाइव पाई बाई फोर पुट करेंगे, तो यहां भी एक्स की जगह क्या पुट होगा, e पावर 5 पाई बाई 4 इन ब्रैकेट साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4। स्टूडेंट्स यू नो e पावर पाई बाई 4
साइन फाइव पाई बाई फोर, इट मीन्स हम इसको राइट कर सकते हैं पाई प्लस पाई बाई फोर, इट मीन्स साइन फाइव पाई बाई फोर की वैल्यू होगी माइनस वन बाई रूट टू, माइनस पहले से है, और कोस फाइव पाई बाई फोर की जो वैल्यू होगी, कोस फाइव पाई बाई फोर की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी माइनस वन बाई रूट टू, इट्स ओके, इज इक्वल टू ई पावर फाइव पाई बाई फोर इन ब्रैकेट, देखिए माइनस वन बाई रूट टू, माइनस माइनस प्लस वन बाई रूट टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कैसे प्लस वन बाई रूट टू से माइनस वन बाई रूट टू कैंसिल, जब मल्टीप्लाई किससे होगा ई पावर फाइव पाई बाई फोर से मल्टीप्लाई होगा, तो कंप्लीट मार्क क्या जाएगा इसकी, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी, इट्स ओके, इट मीन्स हेंस फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल थ्री कंडीशंस फॉर रॉल्स थ्योरम, इट्स ओके। तो हम क्या राइट करेंगे, आप यहां तक पहले राइट कर लीजिए इसको, इसके आगे देखिए ध्यान से नेक्स्ट स्टेप, सिंस फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल थ्री कंडीशंस और थ्री कंडीशंस फॉर रॉल्स थ्योरम, इट्स ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल थ्री कंडीशंस फॉर रॉल्स थ्योरम, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं देन एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो फॉर रॉल्स थ्योरम। यू नो एफ डैश एक्स आपने क्या फाइंड किया है, टू ई पावर एक्स साइन एक्स, हमें चाहिए एफ डैश सी, तो क्या करें एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, तो जब यहां सी पुट करेंगे तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी टू ई पावर सी डॉट साइन सी इक्वल टू जीरो। यहां से हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, नेक्स्ट स्टेप साइन c इक्वल टू जीरो, स्टूडेंट्स 2 इंटू ई पावर c जीरो के डिवाइड में चला गया, तो 0 अपॉन 2 ई पावर c जीरो हो गया, तो साइन c इक्वल टू जीरो, सो c इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो, सो c इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो। अब बताइए साइन में जीरो वैल्यू कौन किस किस की वैल्यू होती है साइन में जीरो, तो देखिए सी स्क्वायर टू जीरो, साइन जीरो का मान भी जीरो होता है, साइन पाई का मान भी जीरो होता है, और साइन टू पाई का मान भी जीरो होता है, ये सुनो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमारे पास जो सी है वो बिलोंग किससे करना चाहिए, ओपन इंटरवेल पाई बाई फोर कोमा फाइव पाई बाई फोर, इट्स ओके, सिंस सी स्क्वायर टू पाई, c इज इक्वल टू पाई, y पाई बिलोंग्स टू फाइव पाई बाई फोर। स्टूडेंट्स जो पाई है वो बिलोंग कर रहे हैं, जो पाई वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवेल पाई बाई फोर कोमा फाइव पाई बाई फोर, इट्स ओके। हेंस रॉल्स थ्योरम Rolle's theorem verified। यहां पर हमारे पास जो Rolle's theorem क्या है वेरीफाइड हो जाती है, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन हेयर a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, फर्स्ट पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सेकेंड पॉइंट फंक्शन इज डिफरेंशियबल ओपन इंटरवेल में और कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवेल में, थर्ड कंडीशन f of a इज इक्वल टू f of b, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जब थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रॉल्स थ्योरम क्या होती है वहां पर सेटिस्फाई होगी, इट्स ओके, देन f डैश c इज इक्वल टू जीरो, और वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे c वैल्यू, और जो c की वैल्यू जो फाइंड होगी वो बिलोंग होनी चाहिए ओपन इंटरवल से, इट्स ओके। प्लीज राइट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।
सेकेंड पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल पावर एन डॉट एक्स माइनस बी होल पावर एन। आपके पास ये फंक्शन है, यहाँ पर टू वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में। स्टूडेंट्स x belongs to closed interval a comma b and small m and small n belongs to capital N. Capital N sets of natural number. It's okay. यहां पर हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हियर a इज इक्वल टू, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स a इक्वल टू a स्मॉल a पहले से और b इक्वल टू b, इट्स ओके। तो यहां पर इसको राइट करना कंपलसरी नहीं है। फंक्शन एफ एक्स इज a पॉलीनोमियल, स्टूडेंट्स जो फंक्शन एफ एक्स वो क्या है इज ए पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट्स क्या है पॉलिनोमियल, फंक्शन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। फर्स्ट कंडीशन, अब देखिए स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, जब इस इंटरवल से हम एक्स की वैल्यू को हम एफ डैश एक्स एफ एक्स में एक्स की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए यहां एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे क्या आएगा ए माइनस ए होल पावर एन, यहां रखेंगे तो a माइनस बी होल पावर n, इट्स ओके। अब देखिए a से कैंसिल तो जीरो पावर n इंटू a माइनस बी होल पावर n इक्वल टू जीरो, और जीरो क्या है रियल नंबर है। ऐसे अगर हम यहां पर हम x की जगह b पुट करेंगे तो भी क्या होगा एक रियल वैल्यू गेट होगी। इट मींस जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है कंटिन्यूस है इन गिवन इंटरवल में, इट्स ओके। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। स्टूडेंट्स जो फंक्शन एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, इट्स ओके। आप चेक कर सकते हैं इस वैल्यू को आप फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह पुट करना आपके पास एक रियल वैल्यू गेट होनी चाहिए, इट्स ओके। और आप वैसे देख लीजिए जो फंक्शन एफ एक्स है इज ए पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है इज एवरीवेयर क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, इट्स ओके। सेकंड पोर्शन क्या चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, इससे पहले हम क्या करेंगे हम जो एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, इट्स ओके विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए डिफरेंशिएट ऑफ एफ एक्स का क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, इट्स ओके। इसका डिफरेंशिएट होगा बाय मल्टीप्लाई मेथड, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड एंड मल्टीप्लाई में आएगा बेस एज इट इज, और जो बेस की जो पावर होगी वो क्या होगी एन माइनस वन, इट्स ओके प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन पावर मल्टीप्लाई में आएगी बेस एज इट इज, और बेस की जो पावर होगी वो एम माइनस वन, इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बताइए इसमें क्या कॉमन है, देखिए एक्स माइनस ए होल पावर एम, यहां पर एक्स माइनस ए की पावर एम है और यहां पर एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन है, इट्स ओके। जब कॉमन लेते हैं तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आती है, इट्स ओके। तो देखिए यहां से कॉमन आएगा एक्स माइनस ए पावर एम माइनस वन, इट्स ओके। एंड इसमें से और इसमें से कॉमन क्या होगा एक्स माइनस बी होल पावर एम एन माइनस वन ब्रैकेट। तो देखिए जब आपने इन दोनों पार्ट में से आपने ये कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा देखिए एन एन फिर क्या होगा एक्स माइनस ए होल पावर एम में से एम माइनस वन एक पावर कैंसिल होगी तो वन पावर इसमें रिमाइंडर होगी। तो देखिए क्या आएगा एक्स माइनस ए प्लस प्लस एम एज इट इज, इट्स ओके। अब यहां से एक्स माइनस बी होल पावर एन में से आपने एन माइनस वन कॉमन ले लिया तो वन पावर रिमाइंडर रहेगी एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज
f dash x is equal to x minus a whole power n minus 1, x minus b whole power n minus 1 in bracket, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, एन एक्स माइनस एन ए प्लस एम एक्स माइनस एम बी, इट्स ओके, ये हो गया आपका, आपने डिफरेंशिएबल कर दिया। अब देखिए ओपन इंटरवल ए कोमा बी, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी, इस ओपन इंटरवल के लिए ये जो एफ डैश एक्स है वो एक रियल वैल्यू गेट करेगा, इट्स ओके। और वैसे आप कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो भी क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इट्स ओके। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस इंटरवल से अगर हम एक्स की वैल्यू को यहां पुट अप करेंगे तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो एक रियल वैल्यू गेट होगी, इट्स ओके। फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। स्टूडेंट्स जो फंक्शन एफ एक्स है वो ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है, इट्स ओके। थर्ड कंडीशन हम चेक करेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इट्स ओके। थर्ड कंडीशन हम यहां पर चेक कर लेते हैं रोल्स थ्योरम में, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, ए क्या है पर स्मॉल ए है, इसको इसको चेक करते हैं। अब देखिए यह f of a, यहां x की जगह a पुट करेंगे तो f of a आएगा, तो a को हम जहां भी x होगा वहां पर a पुट करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहां पर a पुट करेंगे तो a माइनस a होल पावर m, तो ये जीरो हो गया, जीरो को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो f of a भी क्या आएगा, जीरो आएगा। स्टूडेंट्स ऐसे ही f of b, यहां पर x की जगह b पुट करेंगे तो f of b हो गया। अब देखिए b माइनस a होल पावर m as it is रहेगा, b माइनस बी यहां पर x की जगह b पुट करेंगे तो b माइनस बी होल पावर n, तो b माइनस बी कैंसिल, जीरो होल जीरो पावर n जीरो, और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो वैल्यू कंप्लीट जीरो आएगी, तो f ऑफ b भी क्या आएगा, जीरो आएगा। स्टूडेंट्स थ्री कंडीशंस रोल्स थ्योरम के लिए सेटिस्फाई है, यू नो सिंस फंक्शन एफ एक्स satisfies function fx satisfies all three conditions for Rolle's theorem। Students जो function fx है वो satisfies है ऑल थ्री कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम, या फॉर ऑफ एफ एक्स भी राइट कर सकते हैं, यहां पर रोल्स थ्योरम की जगह आप राइट कर सकते हैं, एफ एक्स भी आप राइट कर सकते हैं, इट्स ओके। देन अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, यहां पर आप पुट एफ एक्स भी पुट कर सकते हैं, देन एफ डैश c is equal to 0, then f dash c is equal to 0, f dash x के आपके पास ये है, जहां भी x होगा वहां पर हम c put करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां c put करेंगे तो f dash c, तो क्या होगा, यहां भी c put करेंगे c minus a whole power m minus 1, c minus b whole power n minus 1 in bracket nx है, यहां पर होगा एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इज इक्वल टू जीरो, इट्स ओके। जहां भी एफ डैश एक्स था हमने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, सी पुट कर दिया, तो वो वैल्यू किसकी होगी, एफ डैश सी की वैल्यू होगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है वो सी के जीरो की डिवाइड में जाएगी, जब ये वैल्यू जीरो की डिवाइड में जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वैल्यू इसके ऊपर क्या आएगी, जीरो आएगी। तो देखिए ध्यान से, एन सी माइनस एन ई प्लस एम सी माइनस एम बी
इज इक्वल टू जीरो, ये जो वैल्यू है वो जीरो की डिवाइड में चली गई तो वैल्यू जीरो हो गई। स्टूडेंट्स हमें यहाँ से सी फाइंड करना है, तो देखिए इस एन सी में और एम सी में कॉमन क्या है, सी कॉमन है, तो सी कॉमन लेंगे क्या आएगा, एन प्लस एम, एन प्लस एम इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, आपने इसमें से और आपने इसमें से कॉमन क्या लिया, सी लिया, तो रिमाइंडर क्या रहा ब्रैकेट के अंदर, एन प्लस एम माइनस एन ए एन माइनस एम बी, इसको अपने राइट हैंड साइड चेंज कर दिया, तो क्या हो गया एन ए प्लस एम बी, दोनों वैल्यू प्लस की हो गई। यहां से हम जब सी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, सी इक्वल टू एन ए प्लस एम बी अपॉन एन प्लस एम। स्टूडेंट्स ये आपने सी की वैल्यू फाइंड यहां से कर ली, इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने सी की जो वैल्यू फाइंड की है वो आपने क्या फाइंड किया, सी आपने सी फाइंड किया एन ए प्लस एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन। अब देखिए इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं, सी इज टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, और ये जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल ए कोमा बी से, इट्स ओके। तो यहां से आपने सी की वैल्यू फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स आप देख बताइए सी जो आपने फाइंड किया है वो बिलोंग किससे कर रहा है, ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इट मीन यहां पर रॉल्स थ्योरम क्या है, वेरीफाइड होती है। Hence, Rolle's theorem is Rolle's theorem verified. It's okay. Rolle's theorem verified. Students, अगर C belongs to होता है open interval से, वहां पर Rolle's theorem क्या है, verified है. It's okay. Next part third. स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन इन पार्ट थर्ड, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन टू वन। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन थर्ड है ये आपके पहले एग्जांपल में मैंने आपको सॉल्व करा दिया था, ऐसा पहले एग्जांपल आ गया उसको मैंने आपको सॉल्व करा दिया था, इट्स ओके। ये आप खुद स्वयं करेंगे, सेल्फ में करेंगे, इट्स ओके। पार्ट फोर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल फोर कोमा टू। इसके लिए रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है कि रॉल्स थ्योरम इसमें अप्लीकेबल है या नहीं है, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ए इज इक्वल टू फोर एंड स्टूडेंट्स यहां पर माइनस फोर है, क्लोज्ड इंटरवल माइनस फोर टू टू, तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर है, एंड बी इक्वल टू प्लस टू, इट्स ओके। अब देखिए जो फंक्शन एफ एक्स है इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इट्स ओके। फंक्शन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच एवरीवेयर विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। स्टूडेंट्स फंक्शन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन एफ एक्स है पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस फोर कोमा टू, इट्स ओके। सेकेंड कंडीशन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस फोर कोमा टू, इट्स ओके। थर्ड कंडीशन
एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस फोर, एफ ऑफ माइनस फोर। स्टूडेंट्स अब एक्स की जगह माइनस फोर करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस फोर होगा। तो यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा, माइनस फोर का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एट, एंड माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, इट्स ओके। एंड एफ ऑफ टू, यहाँ पर हम एफ एक्स में एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो क्या होगा, टू स्क्वायर फोर, यहाँ टू करेंगे तो टू टू जो फोर माइनस एट, फोर फोर प्लस प्लस एट माइनस एट जीरो। इट मीन्स थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइज, सिंस रॉल्स थ्योरम, सिंस फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज ऑल थ्री कंडीशंस, ऑल थ्री कंडीशंस, ऑल थ्री कंडीशंस फॉर एफ एक्स या रॉल्स थ्योरम, इट्स ओके। रॉल्स थ्योरम सिंस फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल थ्री कंडीशंस फॉर रॉल्स थ्योरम, इट्स ओके। देन एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, इट्स ओके। एफ डैश सी, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको यहां से एफ डैश सी निकालना है, इससे पहले आपको फंक्शन एफ एक्स का क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। और डिफरेंशिएट हम कहां पर कर सकते थे, इसको सेकंड पॉइंट में हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते थे, इट्स ओके। हमने नहीं किया, कोई कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब देखिए इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स टू एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस टू, एफ डैश एक्स होगा टू एक्स प्लस टू। देयरफॉर एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी होगा 2c प्लस टू, एक्स की जगह c पुट करेंगे तो f डैश c हो जाएगा 2c प्लस टू, इट्स ओके। 2c प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, 2c इक्वल टू माइनस टू, 2c इज इक्वल टू माइनस टू, टू टू कैंसिल, c इज इक्वल टू माइनस वन। स्टूडेंट्स माइनस वन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवेल माइनस फोर कोमा टू, स्टूडेंट्स c इज इक्वल टू माइनस वन वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवेल माइनस फोर कोमा टू से, इट्स ओके। ये जो माइनस वन है इस इंटरवेल के बिटवीन की वैल्यू है। अब बताओ c जो वैल्यू है वो इस इंटरवेल से बिलोंग करती है, इट मीन्स रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड है। हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, इट्स ओके। रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट पीरियड में, इट्स ओके। थैंक्स।